जी दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार आरसी चैनल में। और मेरा नाम है मुदित। तो इस वीडियो में मैं एक और प्रोडक्ट लेके आया हूँ जो मेरे पास आया हुआ था, मतलब 3-4 दिन हो गए इसको आए हुए। तो ये है कार के लिए, मतलब कार के लिए गैजेट है एक। तो ये है वैक्यूम क्लीनर। तो इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे हम। तो आप देख रहे हैं जैसे कि ये काफ़ी रिवीलिंग पैकिंग में आया है। तो आप देख सकते हैं आजकल अमेज़ॉन वाले कुछ कुछ प्रोडक्ट को ऐसी सिंपल सीधी पैकिंग में भेज देते हैं रिवीलिंग वाली, और इस ये पैकेट चिपका देते हैं। इसमें इनवॉइस वगैरह होता है आपका। तो चलिए इसको खोलते हैं। पहले मैं एक बार बॉक्स पे भी दिखा दूं क्या है। वोरोली ब्रांड है यहाँ पे, और ये मॉडल नंबर लिखा हुआ है VR12S PVC ड्राई वेट एम्फीबियस व्हीकल क्लीनर। तो ये इनके कहने का मतलब यही है कि ये ड्राई पे भी यूज़ कर सकते हैं और वेट पे भी, पता नहीं हुआ। देखते हैं अंदर क्या है। को साइड में रखते हैं और ये कुछ अटैचमेंट्स जो नीचे गिर गए निकल गए, ये हैं अलग अलग एरिया के लिए। तो ये आपको ब्रश वाला भी दिया हुआ है। तो ये वाला शायद मेरे ख्याल से जो अपना सीट्स होती हैं उसके लिए काम आएगा। एक ये वाला है, बेसिकली ये वाला ही ज़्यादा यूज़ होगा मुझे लग रहा है, क्योंकि ये काफ़ी पतला और लंबा है। तो ये थोड़ा सा कंजेस्टेड जगह में पहुंचने के लिए सही रहेगा। और ये भी एक तरह से ये एक्सटेंशन पाइप है। तो इसको भी यूज़ कर सकते हैं। बॉक्स के अंदर देखते हैं क्या है। बॉक्स के अंदर सिंपल सी बस एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल दिया हुआ है, ये कुछ ऐसा दिया हुआ है। अगर आपको पढ़ना हो तो पॉज कर लीजिएगा। तो प्रोडक्ट देख लेते हैं, काफ़ी हैवी है। तो ये पावर बटन है, और ये मेरे ख्याल से डिटैच करने के लिए स्विच होगा। हाँ, ये इसको डिटैच करने के लिए स्विच है। तो यहाँ से कुछ आपका मैकेनिज्म, आप इसका मैकेनिज्म देख सकते हैं। यहाँ से ये वैक्यूम यूज़ करके खींचेगा अंदर को, डस्ट सारी कलेक्ट करेगा और यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा, और फिर यहाँ से डंप कर सकते हैं उसको। और इसमें अटैचमेंट लगेगा आगे। कुछ इस तरह से अटैचमेंट्स फिट हो जाते हैं। ये कुछ हो गया ऐसे, और कॉर्ड इसकी काफ़ी लंबी है। मेरे ख्याल से अराउंड 15 फीट है इसकी कॉर्ड की लेंथ। तो सही है, मतलब आप अगर फ्रंट में होता है ये 12 वोल्ट वाला सॉकेट, तो वहाँ से लगा के आप पीछे जो बूट स्पेस है वहाँ तक भी इसको, मतलब ये आराम से पहुँच जाएगा। तो चलिए, ये तो हो गई अनबॉक्सिंग इसकी, अब इसकी टेस्टिंग करेंगे। तो टेस्टिंग के लिए चलते हैं गाड़ी में। हाँ जी दोस्तों, तो हम आ गए हैं गाड़ी में। तो ये रहा वैक्यूम क्लीनर, और ये इसकी एक्सटेंशन कॉर्ड मैंने खोल दिया है। इसको यहाँ पे बैग में यहाँ पे दिया होता है 12 वोल्ट का सॉकेट। एक बार चेक कर लूँ चल रहा है या नहीं। हाँ चल रहा है। अभी ये वाला अटैचमेंट चेंज किया है, इसको चला के देखते हैं पहले।
तो इसकी सक्शन पावर मेरे को काफ़ी सही लगी, मतलब ये छोटा वाला अटैचमेंट मैंने लगाया तो इसमें काफ़ी अच्छा इसने उसको वैक्यूम को मतलब काफ़ी अच्छा प्रेशर था, पता लग रहा था हाथ में। आप चलाएंगे तो ऐसा लग रहा था ये चिपक रहा सीधा मैट पर जाके। तो मैं आपको इस सीट पर उड़ करके दिखाता हूँ एक बार। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ बीच में इसे चलाया है तो इस जगह पे कैसे बिल्कुल क्लीन हो गया, वो सारी इसने डस्ट कलेक्ट कर ली है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए इसमें आपको दिख रहा होगा ये। तो सही लगी मुझे इसकी वर्किंग, मतलब काफ़ी है। अभी मैं इसको और टेस्ट कर लूँगा, अभी मैं आपको इतना ही दिखा सकता हूँ, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। बस एक रिव्यू देना था मेरे को छोटा सा, तो हो सकता है मैं फ्यूचर में आगे इसमें और रिव्यू दूं आपको। बट सही लगा मुझे ये। ये अराउंड इसका प्राइस मुझे पड़ा शायद 1100 के अराउंड है। मैं नीचे आपको दिख जाएगा, मैं लिख दूंगा। और अगर आपको परचेज़ करना हो तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो गाइस वीडियो यहीं ख़त्म होता है आज का। अगले वीडियो में मिलता हूँ मैं आपसे। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कुछ पूछना हो इस प्रोडक्ट के बारे में, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय।